नीट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 11 लोगों को किया गिरफ्तार। इंकर सीकर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। नीट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि गिरोह के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह का सरगना रमेश विश्नोई और दिनेश जाखड़ है। ये लोग नीट की होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थियों को नकल कराने की जुगत में थे। इन लोगों से ब्लूटूथ और कई एडिट किए हुए प्रवेश पत्र जिन पर से फोटो हटाई गई भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों के पास से कई चेक भी बरामद किए हैं। मामले में लाखों रुपए की लेन देन की बात भी सामने आ रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हाँ सर, देखिए कल नीट की जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा के संबंध में एसओजी की सूचना पर हम लोग पिछले 3-4 दिनों से एक व्यक्ति को फॉलो कर रहे थे। उस फॉलो करने के क्रम में हमें जहाँ पर वो लोग इकट्ठा होकर के कल की परीक्षा में नकल कराने ब्लूटूथ के माध्यम से नकल की तैयारी करने की जो उनकी पूरी प्रिपरेशन चल रही थी उस जगह तक पहुँचे और वहाँ पर हमने कुल मिलाकर 11 लोगों को राउंड अप किया है। इनके पास में बड़ी मात्रा में ब्लूटूथ के उपकरण मिले हैं जिसको कि वो फिलहाल मास्क का इस्तेमाल क्योंकि सभी के लिए कंपलसरी है उस मास्क में उन छोटे छोटे उपकरणों को फिट करके नकल की तैयारियाँ कर रहे थे। इसके अलावा कुछ हमारे पास में ऐसे एडमिट कार्ड भी हमें उनके पास से मिले हैं जिसमें कि मॉर्फ करके जो व्यक्ति किसी अन्य कैंडिडेट की जगह बैठेगा उसकी फोटो मॉर्फ करके लगाई हुई है। इस तरह से काफ़ी जालसाजी की भी नज़र आती है। उसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया है और 11 लोग जो हैं वो हमने गिरफ्तार किए हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। मुख्य सरगना कौन है सर? और आगे अनुसंधान जारी है।